नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे आयरन प्योरिफिकेशन मेथड्स के बारे में, जो हमारे लौह अयस्क होते हैं उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को किन किन मेथड से अलग हम कर सकते हैं, यानी कि आयरन को हम कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं उसके अंदर से अशुद्धियों को दूर करके। तो आयरन प्योरिफिकेशन मेथड्स हम उनको बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे आयरन प्योरिफिकेशन मेथड्स के बारे में। जो आयरन प्योरिफिकेशन मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं। आयरन प्योरिफिकेशन क्या है? जो हमारे लौह अयस्क होते हैं उनके अंदर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को हमें अलग करना पड़ता है आयरन को अलग लेने के लिए। तो आयरन में से जो उसके लौह अयस्क हैं उसमें से लौह अयस्क में से जब अशुद्धियाँ हम निकाल देते हैं तो हमारे पास आयरन बचता है। तो इसीलिए इसको बोलता है आयरन प्योरिफिकेशन मेथड, कि आयरन को एक तरह से प्योरीफाई करना। तो वो वाले मेथड कौन कौन से हम यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय ग्रेविटी। बाय ग्रेविटी मतलब क्या है, इसके ये काम कैसे करेगा? हम जो आयरन के ओर होते हैं, आयरन के जो अयस्क होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि कार्बन है, जैसे कि सल्फ़र है, मैग्नीज़ है, सिलिकॉन है, इस तरह की इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, और मिट्टी के कुछ कण भी होते हैं। तो उनको अलग करने के लिए पहले जो आयरन के अयस्क हैं या आयरन के ओर जिनको हम बोलते हैं उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, यानी कि उनको पीस लिया जाता है, एक चूरे में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस पाउडर फॉर्म को हम बहते हुए पानी में गिराते हैं। जैसे ये जो दिखाया गया है, यहाँ पे बहता हुआ पानी दिखाया गया है कि जो पानी है बह रहा है। तो जब इसको हम डालते हैं, जो आयरन के कण हैं वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसके अंदर घुल के आगे चली जाती हैं हल्की होने के कारण। तो भारी होने के कारण जो आयरन के कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे पीसे हुए पाउडर में से, और इम्प्योरिटीज़ आगे चली जाएंगी, घुल जाएंगी। तो इसको हम अलग निकाल लेते हैं जिससे हमें मिलता है आयरन। तो इस तरह से हम बाय ग्रेविटी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा सिस्टम है हमारे पास बाय मैग्नेटिक सिस्टम। मैग्नेटिक सिस्टम का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? हमें पता है कि जो आयरन के ओर हैं, जो आयरन की प्रॉपर्टी है वो चुंबक की तरफ खींचने की प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेटिक सिस्टम का हम यूज़ करके आयरन को अलग कर सकते हैं। जिस तरह से हमने आयरन ओर का पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसी तरह से यहाँ पे जो कन्वर्टेड पाउडर है उसको यहाँ पे गिरा दिया जाता है। तो यहाँ पे एक पुली ये है और सेकंड पुली ये है, तो दोनों पुली हैं, इनके बीच में ये लगी है मैग्नेटिक बेल्ट। आप लगा सकते हैं या सिंपल बेल्ट भी आप लगा सकते हैं। तो मैग्नेटिक बेल्ट का अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा, जो हमारे आयरन के कण हैं वो मैग्नेटिक बेल्ट के साथ चिपक जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, और जो कण हैं वो आगे चिपक कर चले जाते हैं। तो उनको हम आगे इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो ये दूसरे वाली पुली है इसको मैग्नेटिक पुली की तरह यूज़ कर सकते हैं, बेल्ट आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं। जब आप पाउडर फॉर्म को यहाँ पे गिराएंगे, जो आयरन ओर की पाउडर फॉर्म है, तो यहाँ से जब वो ट्रैवल करेगी तो यहाँ से जो आयरन के कण हैं इसके साथ चिपक जाएंगे और वो यहाँ पे इकट्ठे होते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ से जाएंगे यहाँ से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म होगी, तो यहाँ पे गिरते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, इम्प्योरिटीज़ उसी तरह से यहाँ इकट्ठी होती रहेंगी। तो आप कोई भी सिस्टम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, मैग्नेटिक बेल्ट आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कण चिपके रहें और इम्प्योरिटीज़ यहाँ इकट्ठी होते रहें, या फिर आप मैग्नेटिक पुली आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं जो कि एक कन्वेयर का काम करें, यहाँ से उसको ट्रैवल करने का काम करें और जो कण है वो चिपकने के साथ ही यहाँ पे इकट्ठे होते रहें इस पुली के साथ। तो आप कोई भी सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं, ये होता है मैग्नेटिक सिस्टम। तीसरा सिस्टम है बाय स्मेल्टिंग। बाय स्मेल्टिंग के अंदर क्या है, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस का। तो लगभग जो ब्लास्ट फर्नेस है हम पिग आयरन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो आयरन का ओर है उसको
फर्नेस के अंदर डाला जाता है और उसको पिघलाया जाता है। पिघलने से क्या होता है, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ ऊपर इकट्ठा हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लैग। तो स्लैग के रूप में ये इकट्ठा हो जाती हैं और जो आयरन है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है पिघल कर। तो आयरन को हम अलग से निकाल सकते हैं और स्लैग को बार बार ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। तो स्लैग हमारा जो झाग बन के झाग फॉर्म में, उसको हम अलग कर लेंगे, स्लैग की एक लेयर बन जाती है और जो प्योर आयरन है वो नीचे हो जाता है। तो इस तरह से स्लैग को अलग करके और आयरन को हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे बाई ग्रेविटी है, बाई मैग्नेटिक है या बाई स्मेल्टिंग सिस्टम से आयरन का प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये थे आयरन प्योरीफिकेशन मेथड्स। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।